हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शुगर फ्री मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर चीनी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए केवल हमें दूध चाहिए और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुगर फ्री मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। यहाँ पर मैं पहले से गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा दूध भी ले सकते हैं, उससे और भी क्रीमी आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। दूध ऐड करने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। ये देखिए, दूध में अच्छा सा बॉयल आने लगा है। अब हम लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। 10 मिनट के अंदर आपका दूध है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दूध है ऑलमोस्ट काफ़ी पक चुका है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसमें जो भी मलाई थी वो किनारों पर चिपकना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें दूध को गाढ़ा करना है। अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो दूध है उसमें काफ़ी सारे दाने से बन जाते हैं, उससे आपकी कुल्फ़ी टेस्टी नहीं बनेगी। और अब हम कुल्फ़ी को शुगर फ्री बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे ज़िंदगी स्टेविया का नेचर स्वीटनर। ये 100% नेचुरल है और ये स्टेविया प्लांट से ही बनके तैयार होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते तो आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो पैक लिया है वो 200 ग्राम का है और ये 425 रुपीज़ का मिलता है। और अब हम एक कटोरी ले लेंगे और इसमें से जो स्वीटनर है शुगर फ्री उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 ग्राम ले रही हूँ। इस चीनी की खास बात ये रहती है कि जहाँ पर हम नॉर्मल चीनी 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, ये 5 ग्राम इनफ रहती है, यानी कि शुगर का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है बोल में। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर यहाँ पर हमारा दूध है गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो चीनी हमने निकाल के बोल में ली है वो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और साथ ही में यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि पिस्ता, बादाम और काजू। ये मैंने बारीक कट करके लिए हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। और अब हम लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे 10 मिनट के लिए और, जब तक हमारा दूध है पकते पकते आधा नहीं रह जाता। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध है हमने पका कर ले लिया है और ये पकते पकते आधा हो गया है, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था और ये पकने के बाद 1/2 लीटर हो गया है। अब यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर दूध को मैंने ठंडा करके ले लिया है और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो गया है। अब कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर कुल्फ़ी मोल्ड ले लिए हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड्स नहीं हैं तो आप इस तरीके की पेपर ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुल्फ़ी वेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 लीटर दूध में मेरी 4 कुल्फ़ी बनके तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप यहाँ पर पॉलीथिन लगा सकते हैं। और एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद इस तरीके से चाकू की सहायता से इसमें कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर। और अब हम इसे जमने के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो इसे 7 से 8 घंटे के अंदर जमा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो कुल्फियाँ हैं सभी जम चुकी हैं। अब हम इसे फटाफट से डीमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, उसके बाद इस तरीके से हाथों की सहायता से रब करते हुए इसे लूज़ करेंगे। और ये देखिए, बहुत आसानी से ये निकल आई है और बहुत ही क्रीमी बनी है। फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व करके ले लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता डालूंगी। और लीजिए, हमारी मलाई कुल्फ़ी है बनके तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए
और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नई और यमी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।